हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गो टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोस्ट कोड जो कि है आपका 89/17। इससे रिलेटेड कुछ बातें जो आपको एग्ज़ाम से पहले जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस विषय में कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा, मोड क्या होगा एग्ज़ाम का, ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा आपका ऑफलाइन, नहीं ऑनलाइन मोड में। ओके, यानी कि आपका एग्ज़ाम 89/17 जो कि DSSB PRT का एग्ज़ाम होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है। फर्स्ट थिंग, आई होप क्लियर है। तो अपनी प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही रखनी होगी। ठीक है, सेकंड थिंग कि जो आपका एग्ज़ाम है वो किस तरह से होगा। जैसे ऑफलाइन में आपके आए थे क्या, ऑफलाइन में आपके आए थे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई थिंक आप सबने, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने NIOS को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो पहले प्रिपेयर कर रहे थे वो कैंडिडेट्स कंटिन्यूटी में अपना प्रिपेयर कर चुके हैं। अब सिर्फ टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का, सीरीज लगाने का, टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। ओके, ऑफलाइन में फिर भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप पार्ट्स जो आपके डिवाइडेड होते हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में, यहाँ पर आपको 5 सेक्शंस मिलते हैं, यहाँ पर आपको 1 to 100 के एक सेक्शन मिलता है। मैं बात कर रही हूँ ऑफलाइन का। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें 89/17 जो का आपका ऑनलाइन मोड में होना है, यहाँ पर कोई पार्ट ए या पार्ट बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस मिलेगा सीधे सीधे। अगर आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको 10 into 20, ठीक है, तो 10 आपके पार्ट्स मिलेंगे जिसमें 20-20 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20। आई मीन कि आपको सीक्वेंस भी वही मिलेगा 1 to 20 का। जैसे यहाँ पर फर्स्टली, सबसे पहले इनकी स्ट्रेटजी होती है कि आपसे टाइम कंज्यूमिंग पहले दिया जाता है। जैसे पहले आपको मिलेगा रीजनिंग, देन आपको मिलेगा GK, ठीक है, देन आपको मिलेगा मैथ्स, देन आपको मिलेगा इंग्लिश, और उसके बाद आपको मिलेगा हिंदी। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। जो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग पार्ट ए होता है आपका 100 मार्क्स का, यहाँ पर 5 डिवीज़न होंगे 1 to 20, 1 to 20। आप ये भी नहीं जान पाओगे कि 20 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर आप 21वें में हैं। वो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा और मेंटली एक्टिव रहना होगा उसको जानने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की रहेगी कि आपने अगर रीजनिंग को सबमिट कर दिया है तब फिर आप इस पर दोबारा से नहीं होंगे, जा पाएंगे, ये आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप GK, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग है तो हम इसको बाद में देख लेंगे, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको फाइनल करना है मान लीजिए और अपने टाइम को डिसाइड करना है। 20 मिनट्स दीजिए रीजनिंग को, मैक्सिमम है 20 मिनट्स। 20 क्वेश्चन के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 मैक्सिमम 15 मार्क्स, GK के लिए 5 मिनट्स, मैथ्स के लिए वही 15 to 20, तो ये हो गया आपका 40, और इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए मिलाकर 20। ठीक है, अब आपका 1 घंटे में पार्ट ए कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर आपको पार्ट बी के लिए रखना है, और अगर हो सके तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आप पार्ट बी के लिए बचा कर रखें, और कोशिश करें कि जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आप एंड में 20th क्वेश्चन तक पहुँचे। ठीक है, सीरीज में आपका 200 क्वेश्चन होगा, बट जो आपका रिटर्न में मिलेगा वहाँ पर 1 to 20 ही मिलेगा। ठीक है, 5 सेक्शंस आपके पार्ट ए के
फाइव सेक्शंस आपके पार्ट बी के, सीक्वेंस यही रहेगा 1 to 20, 1 to 20। एक बार हम डी ट्रिपल एस बी की साइट पर चलकर आपको एक बार इसका रिव्यू दिखा देते हैं किस तरह से क्या होगा। ये देखिए, ये आपका सिस्टम नंबर या सीट नंबर होगा जो अलॉट किया जाएगा, C001, 2, 3, 66, 46, 100, 600, इस तरह से, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक होगी, ठीक है, तो उसको आपको मैच कर लेना है कि यहाँ पर आपका ही नाम है और आपकी ही पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पर आपका लॉगिन की जगह पर यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा और पासवर्ड होगा आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ये रोल नंबर और ये एप्लीकेशन नंबर। यहाँ से आप साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही आपका पेपर स्टार्ट नहीं होगा, पेपर स्टार्ट तभी होगा जब टाइम हो गया होगा, ठीक है। पहले आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में देखनी है या फिर हिंदी में, अगर आप हिंदी करते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि ड्यूरेशन होगा आपका 180 मिनट्स का, ठीक है, और क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, ठीक है, ये सर्वर पर आपका क्लॉक मिलेगा, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशंस है। और राइट साइड में आपको क्या शो होगा, प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का अगर कलर मिलता है क्वेश्चन पर तो ये आपने नहीं देखे हैं, रेड में आपने इनका देख लिया बट आंसर नहीं किया, ग्रीन में आपने इसका आंसर किया है, और अगर पर्पल मिलता है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर रिव्यू। अगर पर्पल में मिलता है तो मतलब कि आपने इसको रिव्यू के लिए रखा है, अगर पर्पल पे टिक का निशान मिलता है तो फिर इसका मतलब है कि आपने इसको रिव्यू के लिए रखा और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, टाइम समाप्त, ठीक है, तो इसको इवैल्यूएशन इसका नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, यू कैन क्लिक द, अब नेक्स्ट पर करते हैं तो फिर आपको आगे आप जाएंगे, ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। टू आंसर ए क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, क्लिक ऑन क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन प्लेट, यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन प्लेट मिलेगी, आपको हर क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर ये है पार्ट्स ए बी सी डी, आपने सी को फिल किया तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना होगा, ठीक है, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। देखिए फिर ये सब चीजें, उसके बाद है ये आप पढ़ लेना वहां पर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बिकॉज लंबा वीडियो हो जाएगा, मेन चीजें हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होगी आपके क्वेश्चन पेपर की, वो तो इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज थी, यहाँ पर लैंग्वेज होगी कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में, हम हिंदी कर लेते हैं। और ये लैंग्वेज सेट करने के बाद आपको इस पर टिक करना होगा कि यस मैंने सब इंफॉर्मेशन जो है पढ़ ली है इंस्ट्रक्शंस, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं ही इसका मतलब हूँ, कोई हमने प्रोहिबिटेड गैजेट्स नहीं रखे हुए हैं, और मैं सहमत हूँ कि अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जाती है या गलत पाया जाता हूँ तो मुझे डिबेट कर दिया जाए। ओके, देन आई एम रेडी टू बिगिन, यानी कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए या स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, बिल्कुल जब टाइम शुरू हो जाएगा, देखिए इस तरह से आपको मिलेंगे, ये तो क्योंकि मोबाइल में है फ्रेंड्स तो इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, 1 to 20 के स्लॉट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चंस, यहाँ से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोफाइल, और इधर से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा अपना जो ऐसे चेंज करके देखना होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीआई का मूल्य क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने इसका ये आंसर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आपके पास पर्पल आया, बट आपको रिव्यू नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए ग्रीन का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस है
वो आपने आंसर कर दिया है। आप सेकंड क्वेश्चन पर है, फिर से हमने इसका दिया सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक ही क्वेश्चन डाला है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। हम इसी तरह से नेक्स्ट 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 करते करते क्या कहाँ पर मान लीजिए 20 पर पहुँच गए हैं, ओके। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ओके। अब क्या होगा, ये फाइनल सबमिशन के लिए पूछेगा, क्योंकि 20 के बाद वापिस फर्स्ट पर आ गया है तो इसको फाइनल सबमिट करना होगा। यहाँ पर आया आपका, ये आ गया, यहाँ से आप डाटा चेक कर सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी था सेक्शन सबसे पहले, देखिए रीजनिंग आया ना, और 20 क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 आपने आंसर किए, 12 को देखा नहीं, रिव्यू के लिए एक भी नहीं है, और ये ठीक है। तो जो बिल्कुल नहीं देखे वो 5 क्वेश्चंस है। अब इन्होंने पूछा है आर यू श्योर यू विश टू सबमिट दिस ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस फॉर मार्किंग, तो यू कांट रिविजिट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, यू कांट रिविजिट, आप दोबारा से रिविजिट नहीं कर सकते, एंड एडिट योर रिस्पॉन्स अपॉन सबमिशन। अगर आपने इसको यस कर दिया तो वापस नहीं जा सकते, अगर नो किया तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फाइनल सबमिट कर दिया, यस कर दिया, अब एक बार फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं कि आप मेंटल एबिलिटी ग्रुप को सबमिट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल श्योर हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, देन आपका जीके पोर्शन आया, ठीक है। पहले रीजनिंग आया फिर जीके आया, सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो हमने पहले चर्चा की है। भारत में कितने राज्य हैं, इस तरह से। अगर आपको लैंग्वेज यहाँ पर चेंज करनी है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज चेंज करने का, यहाँ पर नहीं है, राइट हैंड साइड में ही आपको क्वेश्चन के अंदर ही लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने मॉक टेस्ट में नहीं डाला है, अगर आपको इसको इंग्लिश में लाना है तो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर वही प्रोसेस चलेगा आपका, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब इसी तरह से हम मान लीजिए 20 क्वेश्चन पर पहुँच गए, इसको फिर हम फाइनल सबमिट कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो अब क्या है, देखिए हो गया, अब आपका मैथ्स आ गया, ओके। इस तरह से मान लीजिए 2+2 4 होता है, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से 20 पर चलते हैं। अब देखिए, अब ये आपका रेस्पॉन्स आ गया कि 20 क्वेश्चन थे, आपने 1 का आंसर किया है, 4 के आंसर नहीं किए हैं, रिव्यू के लिए कोई नहीं रखा है, और इस तरह से नोट विजिटेड आपके 15 क्वेश्चन हैं, ओके। देन अब हम फाइनल सबमिट कर देते हैं और यस कर देते हैं। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब समझ गए होंगे कि सीक्वेंस जो होगा वह 1 to 20 का होगा, ओके 1 to 20। इसको भी फाइनल सबमिट कर देते हैं और यस, ठीक है। अब इसी तरह से फिर 1 to 20 सेव एंड नेक्स्ट सबमिट और यस और फाइनल सबमिट, ओके। अब आपका आ गया है सबमिट, ठीक है। ये अब आपका, ये इनका पार्ट 1 जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड पे आपने डाला है कितना, मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आप लास्ट में रिव्यू देख सकते हैं, ओके। ये देखिए, इनमें से आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, ये आपको बता दिया गया बिल्कुल लास्ट में, जैसे ही आपके 3 घंटे कंप्लीट होते हैं और फाइनल सबमिट हो जाता है तो ये आपको रेस्पॉन्स मिलेगा हर सेक्शन का अलग अलग, ठीक है। तो आप वहाँ पर फिर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप देख सकते हैं आराम से, अपने काउंट कर सकते हैं कि हमने, यहाँ से देख सकते हैं कि कितनों के आंसर दिए, हमने इंग्लिश में 1 भी आंसर नहीं दिया, इसमें 1 भी आंसर नहीं दिया, इसी तरह से यहाँ पर हमने 1 आंसर दिया है अर्थमेटिक एबिलिटी में, इस तरह से यहाँ पर हमने 1 भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। हमने देखे भी नहीं कुछ क्वेश्चंस, 1 हमने रिव्यू के लिए रखा था, यहाँ पर हमने आंसर दिए 3 के, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ओके। अब इसको बिल्कुल फाइनल सबमिशन, यानी कि दोनों ही पार्ट, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और दूसरा है, दोनों को हमने सबमिट कर दिया, ओके। यहाँ से आपका कंप्लीट सबमिशन हो जाएगा, ओके। तो ये आपके चल रहे हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है।
तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको क्लोज करते हैं, बिकॉज आई होप आपके समझ आ गया है अब कैसे क्या करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक और ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, मे बी परसों तक आ जाए 7, ठीक है, या फिर कल इवनिंग में, 6 को इवनिंग में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आपके 3 पेजेस आएंगे, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में 2 पेज होते थे, ऑनलाइन में 3 पेज होंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट पेज पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, और सेकंड पेज पर आपको पोस्ट कार्ड 4x6 की फ़ोटो पेस्ट करनी होगी, और तीनों ही पेज एक आईडी प्रूफ, बस 2 चीज़ें आपको लेकर जाना है, आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड। इसके अलावा कोई पेन, कोई कॉपी, कुछ एंट्री नहीं होगी अंदर। गर्ल्स का ड्रेस कोड है सिंपल सूट, लेगिंग आप पहन सकते हैं, ठीक है, और स्लीपर्स अंदर जा सकती हैं, अगर शूज़ पहनते हैं तो फिर उसको बाहर गेट पर ही उतरवा दिया जाएगा। और कोई ईयरिंग्स वगैरह, नोज पिन वगैरह, पायल, झुमके, इस तरह की कोई भी चीज़, वॉच, रिंग, ऐसी कोई भी चीज़ एंटर नहीं होगी। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, यूज़फुल है और रियली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।